हम लोग अपवर्क पर अकाउंट बना लेते हैं, हम प्रपोजल सेंड करते हैं, हमें रिप्लाई तक नहीं आता, हमें कोई जॉब तक नहीं मिलती, लेकिन हम सबको एक चीज़ का मसला होता है, एक क्वेश्चन होता है कि यार ये पैसे विड्रॉल कैसे करवाते हैं अपवर्क से। मतलब ठीक है, सीख लेते हैं आज के इस वीडियो में कि पैसे विड्रॉ कैसे करवाते हैं। यहाँ अपवर्क के डैशबोर्ड पर आने के बाद आपने अपनी प्यारी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेटिंग की ऑप्शन है, सेटिंग पे क्लिक करें और यहाँ पर आप सेटिंग इंटरफेस पर आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपके पास ऑप्शन है गेट पेड की, आपने गेट पेड पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है पेमेंट मेथड्स। यहाँ ऐड मेथड पे आप जब क्लिक करेंगे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। रिकमेंडेड ऑप्शन जो है वो यही है कि आपके पास अपना एक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट, वो आप जो है यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा पेयोनियर का अकाउंट अगर आपके पास है यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि अपने आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लें, आपको एक्सचेंज रेट मिल जाएगा और डायरेक्टली आपके अकाउंट में पीकेआर में पैसे आ जाएंगे। यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले बैंक का स्विफ्ट कोड लिखना है। जो भी आपका बैंक अकाउंट है आप उसको गूगल कर लें। लेट्स से मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने बैंक ऑफ पंजाब का स्विफ्ट कोड लिखा है तो यहाँ गूगल पे मुझे आ गया है। ये मैंने स्विफ्ट कोड यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लूंगा क्योंकि मेरा एक अकाउंट जो है वो बैंक ऑफ पंजाब में है। ये फाइंड किया, यहाँ पर बैंक ऑफ पंजाब की डिटेल आ गई। अब यहाँ पर मैं अपना IBAN नंबर लिखूंगा, यानी जो चेक बुक पर आपको IBAN नंबर होगा वो लिखें। यहाँ पर मैंने अपना जो है पोस्ट कोड लिख दिया। उसके बाद बैंक टाइप लिखेंगे, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप पर्सनल लिखेंगे। यहाँ पर मैंने ब्रांच नेम लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने ब्रांच का एड्रेस ऐड करना है। यहाँ पर मैंने अपना कंप्लीट नाम ऐड करना है, फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम जो फैमिली नेम है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं अपनी ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर आप अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने नेम ऑन अकाउंट पर जो आपका एक्चुअल नाम है CNICP और बैंक अकाउंट में, वो यहाँ पर आपने नाम लिखना है। उसके बाद आपने एड्रेस में आपने अपने घर का एड्रेस लिखना है जो कि उस अकाउंट के साथ अटैच है। यहाँ पर मैंने एड्रेस ऐड कर दिया, यहाँ पर मैंने अपना शहर ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से कंट्री को सिलेक्ट कर लूंगा, कंट्री सिलेक्ट कर लिया पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ से मैं फोन नंबर ऐड करूंगा, यहाँ से मैंने कंट्री सिलेक्ट किया पाकिस्तान, मेरा ऑटोमेटिकली जो कंट्री कोड है वो सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना नंबर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं ब्लॉक पे चेक मार्क करूंगा, टिक करूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं ये सारी इंफॉर्मेशन को जो है वो रिव्यू करूंगा कि जो मैंने चीजें ऐड की हैं वो ठीक हैं कि नहीं, ये देखने के बाद कि जी हाँ सब कुछ सब चीजें ठीक है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। इस तरह से आपका जो है अकाउंट जो है वो ऐड हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट ऐड था, मैंने दूसरा ऐड किया आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर आपको आपका बैलेंस शो हो रहा होगा, यानी जो भी ऑर्डर्स आपने कंप्लीट किए होंगे और जो आपको पैसे आए होंगे वो बैलेंस यहाँ पर आपको शो हो जाएगा जब आपके अकाउंट में आएंगे। यहाँ पर अपवर्क अकाउंट पर आएंगे बेसिकली, तो जब अपवर्क अकाउंट में यहाँ पैसे आ जाएंगे तो यहाँ से आप जब गेट पेड नाउ पर क्लिक करेंगे तो वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले आपको एक ईमेल आएगी कि जी हाँ कि आपने ही पैसे जो है ट्रांसफर करने की जो है रिक्वेस्ट दी है। तो अगर आपको जो है 30 मिनट तक उसको कोई रिस्पांस नहीं करते तो ऑब्वियसली आपके जो है बैंक में वो पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। वो जस्ट एक कंफर्मेशन ईमेल होती है कि क्या आपने ही पैसों ट्रांसफ़र करने के लिए जो है वो रिक्वेस्ट की है। तो अगर कोई सस्पिशियस हो कि किसी आपने नहीं की तो आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है एक घंटे में तकरीबन जो है वो एक घंटे से कम में ही आपके बैंक अकाउंट में सारे के सारे पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये था तरीका बैंक अकाउंट ऐड करने का, इस तरह से विड्रॉल करने का। दूसरा तरीका पेयोनियर का है, मैं वो भी आपको बता दूंगा कि कैसे जो है आप पेयोनियर पे अकाउंट बनाकर पैसे विड्रॉल करवा सकते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।